हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ट्यून। आज का टॉपिक है आपका वीकली अपडेट। तो ये वीक की क्या एनर्जी अपडेट है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, ब्यूटीफुल लवली। तो आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, गेन्स, प्रमोशन दिख रहा है। अब मंडे से संडे के लिए हम एक एक कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। टॉकिंग अबाउट मंडे, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनडिसीजन के मोड में हो या डिनायल के मोड में हो, क्योंकि आपको क्लियरली एक चॉइस करना है बिटवीन टू थिंग्स एंड यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि किसको पिक किया जाए किसको नहीं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारी एस ऑफ पेंटिकल्स की थी। मे बी ये एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है या एक नया इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है या क्या करना है, करना है नहीं करना है। तो उसके लिए आप काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी में, और ये मंडे आपका काफ़ी थोड़ा सुस्त सुस्त सा और काफ़ी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा इस चीज़ में, क्योंकि आप मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे, मुझे लग रहा है। व्हेन इट टॉकिंग अबाउट मंडे, आपने एक नए जोश और जील के साथ आज का दिन शुरू तो किया था। यू वॉचिंग योर विटामिंस, यू प्रेड योर ग्रेटिट्यूड, यू एट योर ब्रेकफास्ट नाइसली एंड यू वर्कड आउट, सब चीज़ ठीक था। बट देन यू नो, जो 11-12 बजे तक का टाइम होता है तब तक आते आते आप काफ़ी कॉट अप लग रहे हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन बाय द एंड ऑफ द डे। तो वो काफ़ी आपको टैक्सिंग लग रहा है फॉर यू, क्योंकि आप यू आर नॉट एट मेंटल पीस, क्योंकि ये लग रहा है ये भी कर लूँ इस टाइप की एक एनर्जी। टॉकिंग अबाउट ट्यूजडे, वेरी नाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड वाले चीज़ में यू लाइक ठीक है, आई एम गोइंग टू डू वट एवर माई इंट्यूशन इज कॉलिंग मी फॉर, या जो मुझे सही लगता है आई एम गोइंग डू दैट। तो ट्यूजडे की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, रिलैक्स लग रहा है। जितने डिस्ट्रेस में मंडे को थे उससे बहुत अच्छी एनर्जी, ज़्यादा रिलैक्सड और मस्त एंड यू नो फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग योर सेल्फ वाली एनर्जी आपकी आ रही है ट्यूजडे को। तो वेरी नाइस, अच्छे से सो रहे हैं आप ट्यूजडे को, रेस्टिंग रियली वेल, स्किन ग्लोइंग, लुकिंग नाइस, गुड टाइम टू टेक पिक्चर्स इफ यू वॉन्ट टेक सेल्फीज। टॉकिंग अबाउट वेडनेसडे, ओके, फोर ऑफ कप्स, वही ऑप्शन में फिर से कन्फ्यूज लग रहे हैं आप। मे बी और एक दो ऑप्शन आ गया आपके रस्ते बाय द टाइम वेडनेसडे कम्स। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट हर चीज के लिए हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अ कोर्स दैट यू आर गोइंग टू टेकअप, क्योंकि पहले आप सिर्फ दो चॉइसेस में कन्फ्यूज थे, बट बाय द टाइम वेडनेसडे कम्स मे बी आपको और कुछ पता चल गया या आप और दो तीन ऑप्शन लेके कन्फ्यूज हो गए। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या पिक करें, क्या कहीं समझ नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टबर्ननेस भी दिखा रहे हो। यू आर लाइक हाँ ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, आई डोंट इवन रियली वांट टू डू दिस, आई माइट जस्ट क्विट, ये वाली भी एक एनर्जी लग रही है। सो आई वुड से डोंट डू दैट, बिकॉज ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो नथिंग्स गोना हैपन, एंड बाय द टाइम वेडनेसडे खत्म हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है अरे बाप रे, हाफ ऑफ द वीक हैज ऑलरेडी पास्ड बाय, अब तक हमने कॉल नहीं लिया, मैंने एक डिसीजन ली नहीं, अब क्या किया जाए। सो थर्सडे की एनर्जी आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की बहुत बढ़िया, आप मार्च कर रहे हैं, काफ़ी थोड़ी गति पकड़ रहे हैं आप, इम्पल्सिवली और एक्शन ओरिएंटेड डे रखेंगे सोच रहे हैं। तो जो वट एवर रीजन्स आपका था, जो भी रीजन था, यू आर कॉट अप, नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड, बट मंडे टू वेडनेसडे जो आपने थोड़ा सा लेड बैक एनर्जी या टाइम पास किया है ना, वो सब रिमेनिंग काम बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलिए, टास्क विच वर अनफिनिश्ड, आप वो सब थर्सडे को कम्प्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि आपका ये मन में है कि हाँ भाई मुझे अच्छे से इस वीक को ख़त्म करना है, एंड जो भी मेरे काम है ऐसे ही हम उसको फेंक फेंक के कल करेंगे, हम एक ये लेट बैक एटीट्यूड कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो यू आर गोइंग टू कीप अ वेरी नाइस एटीट्यूड एंड एक्शन, इम्पल्सिव हो रहे हैं आप काफ़ी, यू नो यू गोना गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन इन थर्सडे। इनफैक्ट जब आप रात को रिव्यू करोगे क्या क्या किया, यू विल बी सरप्राइज कर रहे हो इतना कुछ एक दिन में, तो देन यू रियलाइज कि येस मेरे में पोटेंशियल तो है, बस मूड की बात है और लाइक मूड और कैसा इमोशन होना चाहिए कि हाँ अभी आपने थर्सडे स्टार्ट ही किया ये सोच के कि हाँ मेरे को सब काम निपटाना है, आपने किया। जब आप कन्फ्यूज एनर्जी से ही शुरू करेंगे या टाइम पास वाले से पीठ फेंक कर, वैसे भी सर्दी है, सोने का मन करता है ज़्यादा देर तक, सो देन ऑब्वियसली आपका काम भी डिले ही होता जाएगा, राइट। सो बी इन द राइट माइंड सेट, बिकॉज येस यू हैव इमेंस पोटेंशियल और आप काफ़ी कुछ कर सकते हो इन अ शॉर्ट एंड स्टिप्यूलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो प्लीज़ रियलाइज दैट। टॉकिंग अबाउट फ्राइडे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यूजअली फ्राइडे इज द टाइम जहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है एंड देन फ्राइडे नाइट आउट वाला जो चलन चलता है। इफ़ यू ऑफिस आपको कंपल्सरीली सैटरडे संडे फिक्स ऑफ देता है तो आप और कन्फ्यूजन के मोड में, बिकॉज यू हैव मे बी पार्टी और एन इवेंट टू अटेंड,
एंड देन आपको ऐसा लग रहा है नहीं भाई इस साल तो सेविंग करनी है, ये फ्राइडे एटलीस्ट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मे बी जो पहला वाला फ्राइडे था तब आपने थोड़ा टाइम पास वगैरह कर दिया था, काफी खर्चा एंड हो गया था, ये भी एक बात हो सकती है। सो लाइक कि अब तो इस वीक तो अच्छे से हम रहेंगे, क्योंकि लास्ट हमारा फ्राइडे सैटरडे वही न्यू ईयर वगैरह वाला था ना, सो देन यू आर गोइंग टू बी वेरी सॉर्टेड, वेरी हैप्पी, और पैसा भी बचा रहे हैं, और मन हो रहा है काफी कि जाए स्पेंड करें तो भी नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि लास्ट वीक आपने काफी ओवर स्पेंड कर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है। सो देन या एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस, लुकिंग ग्रेट। मैं ये कहूंगी बट कि अगर जेन्युइनली आपको कहीं स्पेंड करना है या कुछ इंपॉर्टेंट है तो भी ना जाए ऐसा मत करना। सो आप अपना सिचुएशन इवैल्यूएट करो, जो आपको ठीक लगता है डू दैट, बट हाँ डेफिनेटली सेविंग और पैसा बचाने की एनर्जी दिख रही है ये फ्राइडे। कमिंग टू सैटरडे, ओके, काफ़ी रिग्रेट और लॉस हो रहे हैं, मे बी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसका दुख है, या आप जो कोर्स सोच रहे थे या जहाँ पे पैसा डालने का सोच रहे थे वो प्लान ही कम्प्लीटली आपने चक ऑफ कर दिया, या यू नो वो वट एवर इट इज़ वो ऑफर चला गया है, वो स्कीम चेंज हो गई है, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर लाइक कि अरे यार मतलब क्या, एक ऐसे बोलते हैं ना मेरा दिल बैठ रहा है, तो आपका दिल बैठने की एनर्जी लग रही है, और मे बी आप फ्राइडे से भी उदास हो क्योंकि शाम को आप गए नहीं, एंड देन यू आर लाइक बहुत मन था यार लेकिन नहीं हो पाया, आई डिड नॉट गो, या आई चोज नॉट टू गो, एंड देन यू सी अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट ऑफ योर वट एवर फ्रेंड्स और रिलेटिव, जैसे भी इट फिट्स इन, प्लीज फिट इन टू योर पिक्चर, एंड देन आपको एक हल्का सा रिग्रेट की एनर्जी भी लग रही है कि अरे यार चले जाना चाहिए था, या ब्रेकअप हुआ है तो डेफिनेटली दर्द तो हुआ होगा, हो रहा होगा, तो यू आर ग्रीविंग इन टू इट, यूर फीलिंग दोज इमोशंस, थोड़ी सी हैवी सैड एनर्जी लग रही है आपकी, एंड मैं ये कहूँगी कि यू आर ऑल्सो इन अ मोड ऑफ रिजेक्शन, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हर चीज़ को नहीं नहीं बोलना, यूजुअली यू आर द वन हु इज़ अप फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स, बट अभी ऐसा सैटरडे को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को कह रहे हो कि नहीं 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 बस बस बस, यू आर नॉट फीलिंग लाइक योर सेल्फ बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एंड सैडनेस विच इज़ अकंपनिंग यू। इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ ब्रेकअप फॉर एवरी वन हु इज़ वॉचिंग, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये जैसे फिट होगा आप ध्यान रखिए, बाकी सिचुएशंस भी मैंने बताए हैं उस टाइप का कुछ। टॉकिंग अबाउट संडे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, आपका वीक ना उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव भरा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी देखो ऊपर नीचे था, जैसे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे वैसे ही अभी सैटरडे की एनर्जी ऐसी रही, अब संडे को वापस आप क्या लग रहे एकदम डिटरमाइंड और वार्म्थ के साथ पेश आते हुए लग रहे हैं, मतलब अब लग रहा है कि सब चीज़ अच्छे से हैंडल करना है, लाइक हाँ ठीक है टुडे इज संडे आई एम गोइंग टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, जो भी सिचुएशन और चीज़ों से मुझे तकलीफ हो रही थी अब उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आई एम गोना डू गुड एंड आई एम गोना गिव टाइम टू माई सेल्फ एंड आई एम गोना स्लीप वेल एज वेल। सॉरी गाइज बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है अचानक, आई एम सो सॉरी। ओके टॉकिंग अबाउट एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल से द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो वीक में ऊपर नीचे की एनर्जी है ना आपको लग रहा है ना कि अटके अटके से फीलिंग आ रही कि अरे यार कुछ सही से जवाब नहीं मिल रहा है, या यू नो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली टू डू एंड व्हाट नॉट टू, तो मैं ये कहूँगी कि वो सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है आपकी बाय द टाइम यू कमिंग टू योर वीकेंड। एंड ओरेकल कार्ड मैसेज देख लें आपकी मोनोलॉजी ओरेकल से, तो इट इज़ लक इज़ ऑन योर साइड, तो स्पेशली कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या कोई एक्सपेंशन या कोई कोर्स लेने का, तो ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी गुड इनफ, इट्स गोइंग टू टर्न आउट गुड फॉर यू, सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक एंड आई एम गोइंग टू से बाय द टाइम एंड इज कमिंग सब सॉर्ट हो रहा है, सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड विद द बेस्ट, बाय गाइज़।